लेट्स टू क्वेश्चन नंबर एक सॉल्व ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फाइव प्लस एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स माइनस सेवन इक्वल्स टू थ्री होल वन अपॉन थ्री को तो चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं क्वेश्चन तो हमें दे रखा है एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फाइव प्लस एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स माइनस सेवन इक्वल्स टू थ्री होल वन अपॉन थ्री तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं पहले एल लेते हैं क्योंकि सारी डिफरेंट वैल्यूज़ है किसी को भी लेट नहीं कर सकते तो x माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस सेवन अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो हमने लिखा x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस सेवन प्लस एक्स माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू थ्री थ्री इज नाइन प्लस वन इज टेन अपॉन थ्री अब x की मल्टीप्लाई x माइनस सेवन में माइनस फोर की मल्टीप्लाई x माइनस सेवन में प्लस एक्स की मल्टीप्लाई एक्स माइनस फाइव में ये देखिए मैंने इस एक्स की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में फिर माइनस फोर की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में इसी तरीके से इस एक्स की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में और माइनस सिक्स की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस फाइव अपॉन x की मल्टीप्लाई x माइनस सेवन में इसी तरीके से मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन की है इक्वल्स टू टेन अपॉन थ्री अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो यह एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेंटी एट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस थर्टी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस थर्टी फाइव इक्वल्स टू टेन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यूज देखेंगे तो एक ये है एक ये है तो टू एक्स स्क्वायर हो गया टू एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू देखिए ये दोनों माइनस के हैं ये दोनों भी माइनस के तो आपस में सारे प्लस हो जाएंगे तुम फोर प्लस एक्स एज टेन फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस सेवन एज ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी टू एक्स अब देखिए ट्वेंटी टू ट्वेंटी एट और थर्टी दोनों प्लस के हैं तो आपस में ऐड हो गए तो प्लस का फिफ्टी एट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स दोनों माइनस के थे आपस में ऐड हो गए साइन माइनस का लग गया प्लस थर्टी फाइव इक्वल्स टू टेन अपॉन थ्री अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थ्री की मल्टीप्लीकेशन हुई टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी टू एक्स प्लस फिफ्टी एट में और टेन की मल्टीप्लिकेशन हुई हमारी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टी फाइव में ब्रैकेट ओपन कर लिए तो यह आया सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटी सिक्स एक्स प्लस थ्री फाइव एट जो ट्वेंटी फोर टू कैरी थ्री फाइव जो फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन इक्वल्स टू टेन एक्स स्क्वायर माइनस वन ट्वेंटी एक्स प्लस थ्री फिफ्टी अब सारी वैल्यूज़ मैं अपनी राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर को प्लस रखना है प्लस मेरे वैल्यू चाहिए तो जीरो इक्वल्स टू ये क्या आ गया टेन एक्स स्क्वायर में से माइनस करेंगे सिक्स एक्स स्क्वायर साइन चेंज कर हूँ ऑटोमेटिकली क्योंकि इक्वल टू के उधर जाते ही साइन चेंज हो जाएंगे सिक्सटी सिक्स एक्स प्लस का थ्री फिफ्टी माइनस का वन सेवेंटी फोर तो ये कितना आ गया फोर एक्स स्क्वायर माइनस टेन में से सिक्स गया फोर इलेवन में से सिक्स गया फाइव एक्स प्लस का बचेगा क्योंकि यहाँ बड़ा प्लस का है तो टेन में से फोर गया सिक्स 14 में से 7 गया 7 एंड 2 में से 1 गया 1, राइट right? अब देखते हैं कि ये पूरा टर्म uh, 4 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है नहीं हो सकता है 2 से डिवाइड हो सकता है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे ऑन डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय तो ये कितनी आ गई टू एक्स स्क्वायर माइनस टू टू जो फोर टू सेवन जो फोर्टीन एक्स प्लस टू एट जो सिक्सटीन टू एट्स जो सिक्सटीन इक्वल्स टू ज़ीरो अब कैसे करेंगे एट्टी एट की मल्टीप्लीकेशन टू एक्स स्क्वायर में तो ये आया वन सेवेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर राइट अब इसकी ऐसे दो फैक्टर्स की प्लस माइनस करके ट्वेंटी सेवन आए तो देखिए वन सेवेंटी सिक्स के फैक्टर्स निकालेंगे टू एट्स जो सिक्सटीन टू एट सिक्सटीन अगेन टू वन फोर जैट टू फोर जट अगेन टू टू ट्वेंटी टू टू इलेवन एंड एलेवन वन अब देखते हैं ट्वेंटी सेवन कैसे आएगा इलेवन टू ज़ा ट्वेंटी टू एंड टू टू ज़ा फोर एंड सिक्स टू फोर ज़ा एट एट एंड ट्वेंटी टू मेक्स थर्टी तो ये नहीं हो सकता टू टू जो फोर टू जो एट एट टू जो सिक्सटीन प्लस इलेवन इज ट्वेंटी सेवेन तो हमने बनाया सिक्सटीन एंड एलेवन राइट लेकिन माइनस का चाहिए और हम ऐड कर रहे हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे एक्स और एक्स तो ये आ गया टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स माइनस इलेवन एक्स प्लस एट्टी एट इक्वल्स टू ज़ीरो तो 2x कॉमन आया तो x माइनस एट बचा माइनस इलेवन कॉमन आया तो x माइनस एट बचा क्योंकि माइनस बाहर कॉमन था तो प्लस का माइनस हो गया ऑपोजिट साइन हो गए x माइनस एट कॉमन आया तो यह आया टू एक्स माइनस इलेवन इक्वल्स टू ज़ीरो अब देखते हैं x माइनस एट को ज़ीरो की इक्वल रखा तो x की वैल्यू आई एट और टू एक्स माइनस इलेवन को ज़ीरो की इक्वल रखा तो टू एक्स की वैल्यू आई इलेवन और x की वैल्यू आई इलेवन अपॉन टू इज द आंसर आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं फाइव होल वन अपॉन टू इस आंसर लेट्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू इज एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू थ्री होल्ड वन अपॉन थ्री और एक्स की वैल्यू टू और फोर के इक्वल नहीं आनी चाहिए तो यहाँ पे कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं है तो हम लेट नहीं कर सकते सीधा एल सी एम लेंगे तो सिक्सटी टू की वैल्यूज़ लिख लेते हैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू थ्री होल वन अपॉन थ्री तो एल सी एम ले लेंगे तो ये आया x माइनस टू एंड x माइनस फोर अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये आया x माइनस वन एंड टू एक्स माइनस फोर क्योंकि बाहर प्लस है तो बड़ा ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है इक्वल्स टू थ्री थ्री इज एंड नाइन प्लस वन इज टेन अपॉन थ्री अब देखिए x की मल्टीप्लाई इस x की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में फिर माइनस वन की इस पूरे ब्रैकेट में इसी तरीके से इन दोनों के साथ इसी तरीके से इन दोनों के साथ तो यह है x माइनस फोर आप चाहें तो डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इससे लेकिन इस टाइप से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो गलत आने के चांसेस कम है राइट अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस फोर माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू टेन अपॉन थ्री तो ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे तो यह है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स प्लस फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स प्लस एट इक्वल्स टू टेन अपॉन थ्री अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखिए एक ये है एक ये है, दोनों प्लस के हैं तो आपस में प्लस हो गए टू एक्स स्क्वायर अब एक्स की वैल्यू देखिए ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस फाइव एक्स ये दोनों भी माइनस के हैं तो माइनस फाइव एक्स तो माइनस टेन एक्स अब प्लस की वैल्यू देखिए कॉन्स्टेंट फोर एंड सिक्स टेन हो गया प्लस का टेन अपॉन ये भी कितना आया ये भी कितना है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल्स टू टेन अपॉन थ्री अब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो थ्री इंटू टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस टेन ईक्वल्स टू टेन इन टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट राइट ब्रैकेट्स ओपन कर दिए तो ये आया माइनस थर्टी एक्स प्लस थर्टी इक्वल्स टू टेन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटी एक्स प्लस एट्टी सारी वैल्यूज़ मैं साइड से उधर ले जाऊंगी जिससे कि एक्स स्क्वायर मेरा पॉजिटिव आए राइट right? तो ज़ीरो हो गया इधर टेन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटी एक्स एक्स प्लस थर्टी एक्स साइन चेंज करती जा रही हूँ ऑटोमेटिकली माइनस थर्टी तो ये आया फोर एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी एक्स प्लस फिफ्टी राइट तो आप देखिए टू कॉमन है पूरी इक्वेशन में आप चाहें तो रिड्यूस कर लीजिए और नहीं तो ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं तो मैंने डिवाइड कर दिया डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाई टूशन बाय टू तो ये क्या आ गई टू एक्स स्क्वायर पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं कभी भी आधी अधूरी इक्वेशन को डिवाइड नहीं करते हैं राइट right? दोनों तरफ इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो ज़ीरो अपॉइंट टू इज जीरो ही आएगा तो इसलिए जीरो लगेगी अब क्या होगा ट्वेंटी फाइव इंटू इज फिफ्टी तो फिफ्टी एक्स स्क्वायर के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि प्लस माइनस करके फिफ्टीन आए तो टेन एक्स एंड फाइव एक्स फिफ्टीन एक्स आ रहा है अब दोनों प्लस होंगे तो दोनों की सेम साइन होंगे तो कौन सा साइन चाहिए हमें माइनस का तो दोनों के साइन हो गए हमारे माइनस के तो हम इसको क्या लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो तो 2x कॉमन आया तो यह आया, x एक्स माइनस फाइव माइनस फाइव कॉमन आया तो x माइनस फाइव तो ये कितना बच गया x माइनस फाइव कॉमन लिया तो ये आ गया 2x एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो अब x की वैल्यू अगर माइनस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई फाइव और टू एक्स माइनस फाइव को जीरो के इक्वल रखा तो टू एक्स आया हमारा फाइव के इक्वल और एक्स आया फाइव अपॉन टू आप चाहें तो इसको टू होल वन अपॉन टू भी लिख लेट्स टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री है वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल्स टू सिक्स अपॉन एक्स चलिए सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं राइट right? तो ये है हमारा वन अपॉन Minus 2 plus 2 upon x माइनस टू प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल्स टू सिक्स अपॉन एक्स राइट तो कैसे करेंगे देखिए कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं है तो सीधा एलसीएम लेंगे तो यह x माइनस टू और x माइनस वन आ गया नीचे अब x माइनस वन की मल्टीप्लीकेशन वन में x माइनस टू की मल्टीप्लीकेशन टू में तो यह है वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू सिक्स अपॉन एक्स ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे तो या एक्स माइनस वन प्लस टू एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन एंड माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू सिक्स अपॉन एक्स ये देखिए ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये हो गया थ्री एक्स ये देखिए कॉन्स्टेंट भी दोनों ऐड हो जाएंगे साइन माइनस का लग जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू सिक्स अपॉन एक्स राइट तो ये आ गया थ्री एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स एक्स की वैल्यू आपस में ऐड हो गई इक्वल्स टू सिक्स अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स की मल्टीप्लीकेशन हुई थ्री एक्स माइनस फाइव में और सिक्स की मल्टीप्लीकेशन हुई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू में राइट ब्रैकेट्स ओपन किए तो यह आए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इक्वल्स टू सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स प्लस ट्वेल्व अब एक्स की टर्म्स एक साइड तो यहाँ ज़ीरो लग गया दूसरी साइड लेके जा रही हूँ माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व तो ये कितना आ गया ज़ीरो इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो हो गया अब क्या करेंगे इस ट्वेल्व की मल्टीप्लिकेशन इस थ्री एक्स स्क्वायर में तो ये आ गया थर्टीन एक्स राइट वो सॉरी थर्टी सिक्स एक्स स्क्वायर अब इसके ऐसे दो फैक्टर्स प्लस माइनस करके थर्टीन आए तो कैसे करेंगे देखिए थर्टी सिक्स के फैक्टर्स टू वन ज़र टू टू एट ज़ा सिक्सटीन टू नाइन ज़ा थ्री थ्री ज़ा नाइन एंड थ्री वन ज़ा तो ये कितना आ गया आ, थ्री थ्री जा नाइन एंड फोर थर्टीन हो गया राइट right? तो हमारा आ गया नाइन एक्स एंड फोर एक्स अब आपस में प्लस होंगे दोनों मिडिल टर्म का साइन लगेगा फिर तो क्या आ गया थ्री एक्स स्क्वायर इसको मैं ये लिख सकती हूँ थर्टीन एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो अब थर्टीन एक्स को क्या लिखा माइनस का नाइन एक्स माइनस का फोर एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू ज़ीरो थ्री एक्स कॉमन आया तो यह एक्स माइनस थ्री माइनस फोर कॉमन आया तो एक्स माइनस थ्री बचा क्योंकि बा अंदर प्लस है बाहर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं इक्वल्स टू जीरो प्लीज़ सारी वीडियोस देखिए एक एक स्टेप समझ में आएगा क्योंकि हर एक स्टेप हर एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता है थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो अब एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं x माइनस थ्री को ज़ीरो के इक्वल रखा तो x आ गया थ्री और थ्री एक्स माइनस फोर को जीरो के इक्वल रखा तो थ्री एक्स की वैल्यू आ गई फोर प्लस का हो गया फोर उधर जाके और फोर अपॉन थ्री आ गई एक्स की वैल्यू आंसर